अबे कैच है यार, अबे कैच है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख सकते हैं और क्या नाम है हमारा, आज बकरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बकरी उसके लिए फिर साफ सफाई चल रही है। अभी इधर से पूरा काम हो चुका है, इधर काम चल रहा है, इसको धोया जा रहा है आज। बाकी सब घर सफाई हो रही है, यही सब काम चल रहा है। अभी दिखाते हैं, अभी आज हो सकता है कल, या आज या कल बकरा मंडी भी जाएँ हम लोग, देखते हैं, दिखाते हैं आपको। अब बैठे बैठे मूड खराब हो गया एकदम। अब ये लगा हुआ था, ये पेड़ का तना साला यहाँ लग गया। अभी बनवा के लाया हूँ यार, अभी बनवाया यार, एकदम अभी बनवाया गाड़ी। तो भाई ईद मुबारक सभी लोगों को। और आज नमाज वमाज पढ़ चुके हैं, अब तो एक बज गया है, काफ़ी देर हो चुकी है नमाज वमाज पढ़ के। उसके बाद कुछ था नहीं, सब टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे थे, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर रहे थे, मतलब साफ सफाई क्या चीज़ों को लगा रहे थे अपनी अपनी जगह पे। उसके अलावा कोई लखनऊ में रहते हैं तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, तो एक लौता एक ही दोस्त है आकिब, मतलब दोस्त तो बहुत है आकिब जैसे, मतलब ईद मुबारक के लिए तो वही आकिब से मिलने चला जा रहा हूँ आकिब के घर। वहाँ जाके मिलूँगा, उधर टहलू वहलूँगा साथ में, चलाऊँगा भाई। गर्मी लेकिन बहुत भयंकर गर्मी है भाई। मैं निकल आया हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं निकल आया हूँ, नहीं निकलना चाहिए था, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए उससे मिलता हूँ, और बाकी सब लोग को ईद मुबारक। आप सभी लोग अच्छे से रहिए, खुशी खुशहाल रहिए, आपकी सेक्रीफाइस आपकी सब चीज़ें कबूल हों भाई। सबको हैप्पी ईद, और भाई और भी भाई सब एकदम अच्छे प्यार और अमन से रहिए। हिंदुस्तान में भी एकदम प्यार और अमन से रहा जाए, अच्छा लगेगा, सब भाई भाई हैं वैसे। चलिए मिलते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और भाई नया और शुरुआत हो गई है बारिश की, आज पहली बारिश एकदम मस्त पड़ी है। अभी बस गाड़ी का मैंने मूड बनाया गाड़ी निकाल के चलो चलते हैं वहाँ पर खेल के आते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी आ रही है। तो अभी फिर रहते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है, ऐसे थंबनेल में पता चल जाएगा आपको। तो गाड़ी का ही कंटेंट आजकल बना ही रहा हूँ मैं, खरीदने का जोश चढ़ा हुआ है, अभी देख रहे हैं। तो अभी वो आएगी, तो जब वो आएगी तब देखा जाएगा। तो अभी वो निकला नहीं है वहाँ से, हो सकता है निकल रहा हो, वो लेके आएगा तो टेस्ट ड्राइव करेंगे। तो भाई बारिश एक बार की शुरू हो गई, हवा बड़ी भयंकर चल रही थी और एक बार की फिर बारिश शुरू हो गई भाई। बहुत दिन से इसका वेट था, बहुत दिन से, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई, मज़ा ही आ गया। अच्छा अब थोड़ा चैन मिलेगा, थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ा मज़ा आएगा, देखते हैं। भाई साहब ये कितना गजब चीज़ है, यहाँ पे देखो बारिश ही नहीं हो रही और जस्ट पीछे बारिश हो रही है, जस्ट पीछे बारिश हो रही है और यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। ये वाई फाई ऐसे क्यों हो रहे? वो सर अभी वो क्लोज हुआ है ना, वो पानी बंद हो गया ना तो स्लाइड हुआ ना ड्राई सरफेस पर। जब वो सारी चीजें हो जाए तो आप जी। सो गाइस अभी तैयार होकर जा रहा हूँ बैंक, अभी तो अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ जो है। अभी थोड़ी देर में एक और नई गाड़ी आज आ रही है, कल भाई वर्टस आई, मोस्ट फन लविंग गाड़ी जो मैंने कल चलाई है, मतलब जो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी थी वो मैंने कल चलाई, नो डाउट भाई। उसको गाड़ी चलाने में जो मजा था, जो परफॉर्मेंस थी, जो ब्रेकिंग थी, एक्सेप्शनल, मतलब अलग ही था। होंडा सिटी से तो बहुत लाख गुना आगे। अब वो थोड़ा माइलेज वाइलेज कम, देखो जर्मन कार फीचर्स कम देती है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देती है। अब अभी आ रही है हुंडई वर्ना आज, तो वो भी दिखाएंगे आपको, देखिएगा कैसी लगती है। अभी हम लोग को भी देखते हैं कैसी लगती है, क्योंकि हुंडई वर्ना सबसे सस्ती है अभी तक की, सबसे सस्ती गाड़ी अगर कोई मिल रही है तो हुंडई वर्ना मिल रही है। हुंडई वर्ना 19 point something की है टॉप मॉडल, जो ये खड़ी है सामने, तो इसमें सारे फीचर भी हैं। अगर मूड चेंज होता है तो ठीक है, लेकिन वरना भाई वर्टस इज अमेजिंग। अरे यार क्या भपका मार रही गाड़ी। तो यही सब फीचर थोड़े गाड़ी में मिल जाते हैं जो जर्मन गाड़ी नहीं होगी, मतलब वोक्सवैगन नहीं होगी। वोक्सवैगन में क्या है कि भाई वो लोग फीचर पे ध्यान नहीं देते, वो सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं। उनका कहने का मतलब होता है कि ऑनलाइन फीचरिंग देना मेरे मतलब वोक्सवैगन के हिसाब से सही नहीं होता है, उसमें गाड़ी की सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए वो लोग नहीं देते भाई। लेकिन गाड़ी नो डाउट बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी।
हंडी छोड़ दिया उन्होंने, वो असिस्ट कर रहा था बट वो पकड़ने नहीं चाह रहे थे, उसको दिखाया था कि पकड़ना है, सर वो बता रहा पकड़ने के लिए, उन्होंने कहा नहीं अदास का मैं चेक करूंगा पूरा, हमने कहा उतर जा रहा उसके बाद चेक करते हैं। तो भाई हमारे घर में कुछ चीज़ें आ रही हैं शू रैक जैसा और एक दो चीज़ें और, तो आज शू रैक आ गया, चलिए दिखाते हैं। उछल जलद तरंगा, बड़े मन से आज मैच देख रहा था, बड़े मन से पूरा मूड की एकदम खत्म हो गया। वैसे तो हार जीत लगी रहती है लेकिन बड़ा खराब टाइम, बहुत खराब टाइम, मैं बता नहीं सकता इतना खराब लग रहा है भाई। एक तो यार पूरा मैच जीते हो रहा, नीचे ही चलते हैं इसलिए मैं छोड़ के चला आया, लगातार दो तीन छक्के पड़ गए, ये हो गया हो गया, मतलब बहुत कम चांसेस आप जीतने के। भैया मामला बड़ा चेंज हो गया है यहाँ पे, अब थोड़ा उम्मीद वापस जाग रही है, क्या पता हो सकता जीत जाएं, और मतलब जीत ही जाएं तो अच्छी बात है यार, क्या गजब बॉलिंग कराई है आखिरी में बुमराह, और उसने कुछ मामला थोड़ा चेंज लग रहा है, विकेट गिर चुके हैं काफ़ी, अब देखते हैं क्या होता है, अब कोई फंसाने वाला आ गया तो मार के चला जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अब दो ही ओवर बचे हैं, दो ओवर में 22 रन 21 रन चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, अगर किसी ने मार दिया लपेट लिया तो कुछ हो नहीं सकता, तब तो चलो हार ही गए, लेकिन अगर ऐसे है तो एक विकेट गिरा है अभी इसी में निकल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ऐसा लग रहा गलत टाइम पे नीचे आ गए, ऊपर ही बैठ के देखना चाहिए था। नीचे बैठी के साथ जिंदा है मेरा दिल धक 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 कर रहा है एकदम, 118 है मेरी हार्ट बीट, अभी नौ पे 19 चाहिए, अब मिलर आउट हो जाए ना, मिलर ये लो यही काला जादू कटवा दिए, बंदा कटवा दिए उसका। लास्ट लास्ट ओवर है, 6 बॉल पे इतना रन चाहिए, बॉल पे विकेट है, पक्का विकेट है, ओए आउट, अबे कैच है यार, अबे कैच है यार, कैच है यार, ओए क्या कैच है, अभी कंफर्म अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं कैच है भाई, आउट है, कैच है भाई, क्या कैच है, बाहर जा के अंदर ला फेंक के लिया यार इसने, क्या कैच है यादव भाई, क्या कैच लिया भाई, अब इसने अपना पूरी बैटिंग का जो जो नाश किया था ना सब क्लियर कर दिया, सब क्लियर कर दिया भैया, ऐसे टाइम पे ये क्या करे, बाप रे, मेरे को इसको जूम कर दो, मुझे थोड़ा फुल स्क्रीन पे कर दो, बस बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, मार तो यांचन मारेंगे साले भाई, वो मार देता है, 21 रन मारा था पिछले में, लेकिन रुको मुझे हवा बता, 3 पे 11 चाहिए, हवा इधर की चल रही है, नहीं नहीं लेग साइड नहीं चल रही, ऑफ पे चल रही है, अरे ठीक है देखा जाएगा जो होगा, अब रहने दो, अब इतना अब जो होगा देखा जाएगा भाई, 3 पे 11 चाहिए, इतना मैंने इस गैस वगैरह सोचा, मैंने एक टाइम खेल लिया कि मैच खत्म हो गया, मैं नीचे आया इसीलिए नीचे आया, ऊपर देख रहा था भाई, गजब, मतलब अब अगर जो भी आप अगर जो भी फैसला होगा आज, अब ये फैसला मैं बोल सकता हूँ कि मतलब ऐसा फैसला होगा कि भाई हार जीत हो गई, मतलब खेल हुआ ये, मतलब खेल खेल रहा था, जो हो गया पहले वाला तो बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि भाई बहुत खराब ही जा रहा था, आखिरी बॉल भाई तुम अपने हाथ में रखना फोन भाई, लेकिन ये आखिरी के दो बॉल बहुत बहुत अहम है, अरे भैया आप जीत गए, लास्ट बॉल पे मिलते हैं, पकड़ पकड़ पकड़, जीत गए भाई जीत गए, जीत गए, रख दे भाई लास्ट बॉल देख ले, अरे यार ए, वो ना पड़ जाए, नो बॉल वो बॉल कुछ ना हो जाए, अरे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ बेचारी, पीछे हम लोगों को गरियाने लगते थे, सब पीछे खड़े हो, सारे जहां से अच्छा
भाई ये ट्रॉफी आ गई यार मेरे घर आएगी मुझे देंगे कुछ हिस्सा। अब ये लास्ट वाली बॉल एकदम अच्छे से करा, कोई नौटंकी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ अंडर आर्म पे तू सा सुरी दे दूँ लूँ मार ले। अगर रोहित शर्मा बहुत सुकून में होगा भाई यार वो दिन भर हो रहा था जीतने के बाद। अरे किसी को कुछ मत दो ट्रॉफी दो। लेकिन हार्दिक तो अब ट्रॉफी दो भाई पहली जीत तो कहो कैच पकड़ लेता भाई। ये मतलब अनबिलीवेबल वाला सीन है यार एकदम। हमको लग ही नहीं रहा, मैं नीचे इसलिए उतरा था कि मतलब कि हो ही नहीं सकता। अब इस पे 26 चाहिए थे, कहां से रन बनते हैं। अब भैया उसके बाद जो डॉट हुई वो हुई और उसके बाद वो कैच और उसके बाद मैच ऐसा फंस गया। रे वो क्लासन के विकेट से रोने लगा क्या आदि आज ये करके आया है घर पे। चल बेटा चल कैच पकड़ लो उसको विकेट। अच्छा दी ओए रोहित शर्मा को देख, रोहित शर्मा को देख, बहुत बढ़िया। रोहित शर्मा देख पागल हो गया पागल हो गया लौट गया जी। अरे यार भाई साहब शिवम दुबे को सेलिब्रेट मत करने देना साले, तुम अलग करो कोने में। उसने भी आधा रन बनाया। अरे कोई रन नहीं, जो रन रिंकू सिंह होता ना दो गुना रन होते अभी। मजा आ गया चलो भाई मजा आ गया भाई। चलो चाय पीने चले। चलो ए ए चलो चाय पीने चलो चलेंगे। लाइट चली जाएगी लेकिन कहाँ चलेंगे? नहीं चलेंगे पटाखे बूटे हो गई। मजा आई। अरे एक नंबर मजा आ गया। 24 अबे कहाँ 24 पे 26 चाहिए थे। 24 पे 26 चाहिए थे कहाँ से कहाँ आ गए। मैं उतर आया नीचे एकदम दम मार आ गया। मैं फोन नीचे फेंका मैंने कहा मजा आ गया भाई मजा आ गया। वो कैच है जो है मिडल मार देता और अबे वो छक्का ही हो जाता तो फंस जाता मैच। वही तो कह रहा हूँ। अरे आप तो जीत गए ना बात खत्म। विराट कोहली और वो जीत गया रोहित। कोई बात नहीं लेकिन बढ़िया मैच मजा आ गई भाई साहब एकदम माहौल हो गया इस टाइम दिवाली वाला। हर जगह से पटाखे, हम लोग के पास पटाखे ही नहीं है। कोई नहीं आया कई दिनों बाद। सही बात है इतने वो वाला पूरा एकदम खत्म हो गया। एक टाइम पे लगा था कि साला फिर वही हो गया। 19 नवंबर भूल ही नहीं रही थी अब मजा आ गया। तो भाई आज का दिन एकदम ऐतिहासिक दिन हो गया। 13 साल बाद हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आ गए और अभी हम लोग आ गए सेलिब्रेट करने।